I want to know when you're not around. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के लेटेस्ट ट्रेंड्स के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता रहता हूँ। हाय गाइस, सो मेरा नाम है राहुल एंड अभी जो आपने एक वीडियो का प्रीव्यू देखा, ये ऑडियो इंस्टाग्राम पे काफी वायरल हो रहा है एंड काफी सारे लोग इस पे अलग अलग तरीके से वीडियो बना के अच्छे खासे व्यूज एंड लाइक ले चुके हैं। सो इस ट्रेंड को बनाने के लिए हमने जिस ऐप का यूज़ किया है उस ऐप का नाम है VN Editor। ये ऐप इजीली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस आपका ऐप इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपको ऐप को ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको इस प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। अब आपने ट्रेंड में नोटिस किया होगा हमने एग्जैक्टली 12 फोटोज़ का यूज़ किया है, तो हम अपनी सारी फोटोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसको अपनी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में इम्पोर्ट कर लेंगे। सारी फोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद आपको इस एरो बटन पर क्लिक करना है एंड देन वो आपके प्रोजेक्ट की टाइमलाइन में इंपोर्ट हो जाएंगी। ये हो जाने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट के एंड में आ जाना है। यहाँ पे आप एक डिफ़ॉल्ट एंड स्क्रीन देख रहे होंगे, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, तो इस पर टैप करके इसको डिलीट कर देंगे। अब आपको अपने प्रोजेक्ट का एस्पेक्ट रेशियो रील्स के एस्पेक्ट रेशियो में कर लेना है, तो उसके लिए आपको ऊपर ओरिजिनल पे टैप करना है एंड देन यहाँ से 9:16 वाला एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली आपको अपनी हर एक फोटो का जो एस्पेक्ट रेशियो रखना है वो भी यही रखना है, तो उसके लिए आपको अपनी फोटो पर टैप करना है एंड देन क्रॉप वाले ऑप्शन पर टैप करके 9:16 वाला एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मेरी सारी फोटोज इस रेशियो में क्रॉप्ड है, तो मेरे को कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। अब अगर आपको अपनी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन इंक्रीज़ करनी है, मेरा मतलब है अगर आपको एडिटिंग सिंपलर करना है, तो आप अपनी दोनों फिंगर्स इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे आप इजीली एडिट कर पाए। ये हो जाने के बाद अब हम अपने ट्रेंड में म्यूज़िक को ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको म्यूज़िक वाले प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन म्यूज़िक पर टैप करना है। इस वाले ऑडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वंस वो डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको इस प्लस बटन पर टैप करना है एंड देन फाइल मैनेजर में डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके उसको इम्पोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद उसको चूज कर लेना है। म्यूजिक इंपोर्ट हो जाने के बाद अब हम अपने म्यूजिक में कुछ बीट्स ऐड करेंगे। बीट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहां जहां पे हमें अपनी इमेजेस को चेंज करना होता है, तो ये बहुत सिंपल है। मैं आपके साथ में एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उन पॉइंट्स पे आपको अपने म्यूजिक में बीट्स ऐड कर लेनी है एंड उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इमेजेस को चेंज करेंगे। तो उसके लिए आपको अपने म्यूजिक पे टैप करना है एंड देन बीट्स पे टैप करना है। उस स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली बीट है हमारी 0.50 सेकंड्स, तो आपको 0.50 सेकंड्स पे आ जाना है एंड देन इस फ्लैग पे टैप करना है। सिमिलरली आप अपनी सारी बीट्स को ऐड करते जाएंगे। सारी बीट्स ऐड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है एंड देन आप देख रहे होंगे आपके म्यूजिक में कुछ स्ट्रेट लाइंस आ गई हैं, ये हमारी बीट्स हैं। इन पॉइंट्स में हमारी इमेजेस चेंज होगी। तो अब अगर आपको अपनी किसी फोटो को रिप्लेस करना है, आई मीन बाय मिस्टेक आपने किसी और फोटो को किसी और की जगह प्लेस कर दिया है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी इमेज पर टैप करना है एंड देन रिप्लेस वाले ऑप्शन पर जाके कोई और इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये हो जाने के बाद अब आपको अपनी इमेजेस का ड्यूरेशन सेट करना है, वो हम बीट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आपको अपनी फर्स्ट वाली इमेज पर टैप करना है एंड देन उसको डिक्रीज करके फर्स्ट वाली बीट के ड्यूरेशन तक ले आना है। सिमिलरली आपको अपनी सेकंड फोटो पर टैप करना है एंड देन उसको डिक्रीज करके सेकंड वाली बीट के ड्यूरेशन तक ले आना है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी सारी इमेजेस को बीट्स के साथ में सेट कर लेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि आपकी लास्ट वाली इमेज का ड्यूरेशन काफ़ी आगे तक एक्सटेंड हो रहा है एंड उसको आपको म्यूजिक वाले ड्यूरेशन तक ले आना है। तो उसके लिए आपको अपनी इमेज पर टैप करना है एंड उसको डिक्रीज करके जहाँ पे आपका म्यूजिक एंड हो रहा है उस वाले ड्यूरेशन तक उसको ले आना है। ये हो जाने के बाद अब हम अपनी इमेजेस में कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। आपने नोटिस किया होगा मेरी वीडियो में काफ़ी सारी इमेजेस जूम इन एंड जूम आउट हो रही थी साइमल्टेनियसली, तो हम उन इफेक्ट्स को ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फर्स्ट वाली इमेज पर टैप करना है एंड देन इस वाले जूम वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ से आपको जूम आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सिमिलरली आपको अपनी सेकंड वाली फोटो पर टैप करना है एंड देन जूम पर टैप करके जूम आउट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। थर्ड वाली फोटो पर आपको जूम आउट वाला ऑप्शन रखना है एंड देन फोर्थ फोटो पर आपको जूम इन वाला ऑप्शन रखना है।
फिफ्थ वाली फोटो पे आपको दोबारा से जूम आउट वाला ऑप्शन, सिक्स पे भी जूम आउट, सेवेंथ पे भी जूम आउट एंड देन एट पे जूम इन वाला ऑप्शन, नाइन्थ वाली इमेज पे जूम आउट, टेंथ पे जूम आउट, इलेवेंथ पे जूम आउट एंड लास्ट वाली इमेज पे जूम इन। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं कि वो कैसी बनी है। I want to know when you're not around. ये हो जाने के बाद आपको ऊपर एक्सपोर्ट वाले बटन पर टैप करना है एंड देन FPS को 30 पर रख के डन पे क्लिक कर देना है। वीडियो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव टू एल्बम पे क्लिक करना है एंड देन वो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये था इसका कम्प्लीट ट्यूटोरियल। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जल्द आ रहा हूँ एक और इंस्टाग्राम के ट्यूटोरियल के साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।